नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल रेसिपी फॉर फूडीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज और हरी मिर्च का झटपट बनने वाला अचार, जो कि 5 से 10 मिनट में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अब हमें प्याज और हरी मिर्च के अचार बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 2 प्याज स्लाइस किए हुए, 8 से 10 हरी मिर्च बीच में से कटी हुई, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 चम्मच विनेगर, और जो मसाले के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 चम्मच राई और पिंच ऑफ रेड कलर। रेड कलर ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है तो डालें, नहीं ज़रूरत लगती तो मत डालिए। आइए अब हम अचार बनाते हैं। अब हम सबसे पहले एक बाउल में प्याज, हरी मिर्च, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर, और ये सभी जो हमने मसाले लिए हैं वो भी इसमें मिला देंगे। लीजिए, हमारा झटपट प्याज और हरी मिर्च का अचार बनकर तैयार है। खाइए और प्याज और हरी मिर्च के अचार का मज़ा लीजिए।